हेलो भाइयों, मैं हूं प्रफुल्ल लाकड़। ये है टाटा पंच का एग्जेड प्लस वेरिएंट, जो कि आप ग्रीन कलर में देख रहे हो, जो कि काफ़ी अच्छा और मस्त कलर लगता है। बाकी की बात करें तो अपने को ऐसी कुछ की मिलती है, लॉक अनलॉक, इधर से लाइट और इधर से आप बूट अनलॉक कर सकते हो। ये आप देख सकते हो, बाकी अगर इसके बात करें, सबसे पहले डायमेंशंस की बात कर लेते हैं। 3827 mm की लेंथ मिल जाती है, 1742 mm की विड्थ, 1615 mm की हाइट है, और बाकी व्हील बेस की बात करें तो 2445 mm का व्हील बेस मिल जाता है। टर्निंग रेडियस की बात करें, 5 मीटर का टर्निंग रेडियस मिल जाता है। वहीं पे नीचे पे बात करते हैं तो इसमें अपने को टायर प्रोफाइल की बात करें, सबसे पहले देखते हैं कौन सा टायर है, तो अपोलो का टायर मिल जाता है। ऐसे कुछ अपने को अलॉय व्हील मिल जाते हैं। इसकी प्रोफाइल की बात करें, 195/60R16 के अलॉय व्हील मिल जाते हैं। आगे डिस्क और पीछे ड्रम ब्रेक्स मिल जाते हैं, बीच में टाटा का लोगो है। तो ये भाई रॉल्स रॉयस नहीं है, तो आप समझो कि टाटा का लोगो सिर्फ ऐसा ही रहेगा, घूमेगा नहीं, तो ये घूमेगा क्योंकि ये है सस्ती कार। फेंडर पे ऐसा कुछ अपने को कैमो की बैजिंग मिलती है। पियानो ब्लैक में इसमें अपने को वार्गे मिल जाता है टर्न इंडिकेटर के साथ। इस गाड़ी में एक चीज़ है भाई, अगर आप बेस वेरिएंट भी लोगे ना, इंडिकेटर अपने को उस पर ही मिलेगा वार्गे पर। बाकी कीलेस एंट्री मिल जाती है ब्लैक कलर का, इसमें अपने को पियानो ब्लैक कलर की रूफ मिल जाती है। बाकी यहाँ देखें तो अपने को LED टेल लैम्प मिल जाते हैं वाई शेप में। इधर पर रिवर्स लैम्प इंडिकेटर है, बाकी इधर पर मैट ब्लैक है, और नीचे भी अपने को ऐसी कुछ क्लाइडिंग मिल जाती है। वारंटी की बात करें, 2 साल 40,000 किलोमीटर की वारंटी है, सॉरी 2 साल 75,000 किलोमीटर की वारंटी है। और अगर प्राइसिंग की बात करें तो 9,14,000 इसकी ऑन रोड प्राइस है विदिशा में। और फ्रंट में बात करते हैं तो अपने को ऐसी कुछ DRL मिल जाती है, इधर पर अपने को इंडिकेटर मिल जाता है, यहाँ पर अपने को हेलोजन हेडलैम्प मिल जाते हैं, इधर पे अपने को प्रोजेक्टर लो बीम या हाई बीम मिलता है, बाकी इधर पे मैट ब्लैक और फॉग लैम्प वेरिएंट मिल जाते हैं। ऐसी कुछ अपने को ग्रिल मिल जाती है, बाकी इधर पे रेडिएटर ग्रिल है, टाटा का लोगो है, पियानो ब्लैक फिनिशर, ऑटोमेटिक वाइपर्स हैं। बाकी अंदर बैठ के देख लेते हैं। डोर की बात करते हैं तो अपने को ऐसी कुछ डोर ट्रिम मिल जाती है, इधर पे अपने को पियानो ब्लैक फिनिश में डोर हैंडल मिल जाता है, ट्विटर है, RBM कंट्रोल्स, पावर विंडो कंट्रोल्स, इधर पे स्पेस है, ग्रीन एंड ब्लैक कलर का इंटीरियर है, 1 लीटर बॉटल होल्डर, मैगजीन होल्डर है, इसमें अपने को अम्ब्रेला होल्डर भी मिल जाता है, इधर पे स्पीकर है। बाकी इधर पे देखते हैं हाइट एडजस्टेबल सीट, और इधर से आप हाइट एडजस्ट कर सकते हो, रिक्लाइन कर सकते हो। टायर प्रेशर इंफॉर्मेशन, 32 PSI, 2.20 bar, फ्रंट एंड रियर बोथ आर सेम। अब चलते हैं अंदर, चलते हैं क्या भाई अंदर, तो आ ही गए, क्या जोक मारा है मैंने इसी बात पे, हंसी हो जा थोड़ी सी। अब देखते हैं, ऑन हो जा भाई, शर्म आ रही थोड़ी, बहुत वीडियो बना रहा हूँ, ओ भाई उड़ जाऊँगा मैं आराम से आराम से। अब देखते हैं अपन इसमें अपने को क्या कुछ मिलता है। इसमें अपने को बहुत कुछ मिलता है, जैसे कि इसमें अपने को स्टेयरिंग मिलता है, भाई स्टेयरिंग नहीं मिलेगा चलाओ कैसे, जोक बंद किया जाए और काम की बात की जाए। तो यहाँ पे अपने को मिलता है 8000 RPM में टैकोमीटर, 220 में स्पीडोमीटर, बीच में MID डिस्प्ले है। गाड़ी बता, यहाँ पे देखें तो अपने को AC के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, तो यहाँ पे अपने को फैन स्पीड कंट्रोल, वॉल्यूम बोल रहा हूँ भाई, टेम्परेचर कंट्रोल है, और AC का बटन है। इधर पर सारे कुछ मोड्स मिल जाते हैं, और इधर पर देखें तो अपने को एक 12V का पोर्ट, USB का पोर्ट है, ऑक्स का पोर्ट नहीं मिलता इसमें। बाकी इधर पे भी स्पेस काफ़ी है, आप नोटों की गड्डी रख सकते हो। 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन है रिवर्स गियर के साथ। इधर पे अपने को 12V का पोर्ट नहीं मिलता, क्योंकि इधर पे मिल जाता है, बेस वेरिएंट में इधर 12V का पोर्ट मिलता है, बट इन्होंने पता नहीं कवर क्यों नहीं किया भाई। इधर पर स्पेस है तो एक और दे देते पीछे वालों के लिए, छोड़ो। बाकी मैनुअल हैंड ब्रेक है, और इधर पर दो कप होल्डर मिल जाते हैं। बाकी यहाँ पे देखें तो अपने को ग्रैब हैंडल मिल जाता है, इधर पे अपने को मिरर मिल जाता है, और इसमें बात करें
तो यहाँ पे अपने को ऐसा कुछ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है। 8000 आरपीएम टैकोमीटर, 220 में स्पीडोमीटर, इधर पे अपने को ट्रिप टिप भी मिल जाता है, एवरेज रेंज डिस्टेंस टू एमटी, रिफ्यूल वगैरह फंक्शन है। बाकी इधर पे अगर देखें एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कार प्ले मिल जाता है, जिसमें अभी आई थिंक कमिंग सून है। प्लीज़ कनेक्ट, कनेक्ट हो जाता है भाई किस किस का फ़ोन। बाकी इधर पे अपने को ऐसा कुछ ग्लोब बॉक्स मिल जाता है लाइट के साथ, इधर पे टिकट होल्डर मिल जाता है। अब चलते हैं पीछे, की उठा लेते हैं अपन। बाकी यहाँ पे देखते हैं तो अपने को ऐसा कुछ डोर मिल जाता है। बाकी पैनो ब्लैक फिनिश में डोर हैंडल्स हैं, पावर विंडो को बटन है, द बैक एंड ग्रीन कलर का फिनिश में अपने को इंटीरियर मिल जाता है, दो कप होल्डर टाइप के मिल जाते हैं। बाकी अंडर थाई सपोर्ट तो गाड़ी में बढ़िया है, मैं पहले बैठ चुका हूँ, मैंने देख सकते हो। ऐसा कुछ अपने अपने को फ्रंट का इंटीरियर मिल जाता है, ग्रैब हैंडल्स हैं, पार्सल ट्रे मिल जाती है। बाकी आर्मरेस्ट वगैरह कुछ मिलता नहीं है, इधर पर अपने को ए सी बैंड वगैरह कुछ नहीं मिलते। बाकी बूट स्पेस की बात करें तो इसमें अपने को 366 लीटर की बूट स्पेस मिल जाती है, और इंजन स्पेसिफिकेशन बात करें 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिल जाता है, 84 bhp पावर, 113 nm का टॉर्क है, और माइलेज की बात करें 20 से 25 का माइलेज इसमें अपने को मिल जाएगा। तो यही था आज की वीडियो में, वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच। ये अपने को मिल जाता है इधर पर राइनो।